भक्चोना दी खुद हते जसली यही भक्चोना रहे असली शादी क्रिश्चियन में करेंगे यही समाज गवाही देता है क्या यही समाज में अगुवा बन रहे हैं क्या इसलिए इसको पूरा बहिष्कार करना है। यादव समाज क्या लगता है कि यादव समाज बहिष्कार करेगा? मुझे दर्द है, हमने पार्टी को सींचा है। जगदानंद का बाप का पार्टी है क्या? अब बोलेंगे जगदानंद तो सब इलाज हम लोग कर देंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दिल्ली के सैनिक फार्म हाउस में अपनी बचपन की दोस्त से शादी कर ली है। इस खास मौके पर लालू परिवार के साथ ही उनके समर्थकों में खुशी की लहर है। नई नवेली दुल्हन और दूल्हे को सभी लोग दिल खोलकर आशीर्वाद दे रहे हैं। तेजस्वी और रेचल की खूबसूरत जोड़ी की बिहार के लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं, लेकिन खुशियों के इस रंग में मामा साधु यादव ने भंग डालने का काम किया है। दूसरे धर्म की लड़की से तेजस्वी यादव की शादी को लेकर उनके मामा साधु यादव बुरी तरह से नाराज हैं। साधु यादव ने कहा कि तेजस्वी की शादी से न सिर्फ परिवार बल्कि पूरा समाज कलंकित हुआ है। साधु यादव ने कहा कि अब यादव समाज तेजस्वी यादव का विरोध करेगा। क्या यादव समाज में लड़की की कमी हो गई थी जो उसने ईसाई धर्म की लड़की से शादी कर ली है? साधु यादव ने कहा कि लालू यादव दूसरे को भक्चोहर बोलते थे, लेकिन सबसे बड़ा भक्चोहर तेजस्वी है। भक्चोहर वो नहीं था, भक्चोहर ही है। लालू जी भक्चोहर कांग्रेस के नेता को बोले थे। हाँ तो वो नेता भक्चोहर नहीं है, भक्चोहर ही खुद है तेजस्वी, यही भक्चोहर है असली। वहीं साधु यादव ने कहा कि जितने लोग तेजस्वी के शादी में गए थे वो सब करप्ट लोग हैं। जितने उसके शादी में गया था सब करप्ट गया था। वहीं साधु यादव ने कहा कि यादव समाज और हिंदू धर्म के लोगों से तेजस्वी का बहिष्कार करने की अपील की है। साधु यादव ने जगदानंद सिंह पर भी जमकर भड़ास निकाली है। बिहार में क्यों नहीं किया? इसलिए ऐसे लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है। बिहार के जदवंशी भाइयों और हिंदू भाइयों से अपील है कि इसको बहिष्कार करो, जूता मारो। जगदानंद सिंह तो कहते हैं कि धर्म प्रदर्शन नहीं। जगदानंद भड़वा है, भड़वा है जगदानंद, भड़वागिरी बतियाता है। उसका कौन अधिकार दिया है हमारे जमात में, हमारे जात में बात करने वाला? वो कौन होता है जगदानंद सिंह? भड़वा आदमी, भड़वागिरी करता है। मार के ठंडा कर दिया जाएगा जगदानंद को, पार्टी कार्यालय से बाहर किया जाएगा। उसका बाप का पार्टी है साले को, मेरा खून पसीना लगा है पार्टी में, मुझे दर्द है, हमने पार्टी को सींचा है। जगदानंद का बाप का पार्टी है क्या? अब बोलेंगे जगदानंद तो सब इलाज हम लोग कर देंगे, ताला मार देंगे हम लोग आरजेडी कार्यालय में, दिखा देंगे शक्ति हम क्या है। जगदानंद भास्कर हम लोग चुप है तो इसका मतलब क्या है? जो जो गलत काम करेगा उसको बहिष्कार किया जाएगा। जगदानंद अगर है तो जाए अपना कर ले क्रिश्चियन में शादी, बेटा को क्यों किया राजपूत में शादी जगदानंद? वहीं साधु यादव ने क्रिश्चियन धर्म की लड़की से तेजस्वी की शादी करने पर सवाल खड़ा कर दिया। शादी क्रिश्चियन में करेंगे यही समाज गवाही देता है क्या? यही समाज में अगुवा बन रहे हैं क्या? इसलिए इसको पूरा बहिष्कार करना है। यादव समाज क्या लगता है कि यादव समाज बहिष्कार करेगा? किसी का बधवा मजदूर नहीं है यादव, पूरा बहिष्कार करेगा, खुल कर बहिष्कार करेगा। अब खुल करके प्रतिकार किया जाएगा। पहले समझा जाता था लेकिन अब नहीं समझने की जरूरत है। अब पूरा जादव को फ्री छोड़ दिया गया है, छुट्टा छोड़ दिया गया है। तुम विरोध करो, ये नहीं चलेगा, मनमानी नहीं चलेगा। इनका बाप का जमींदारी बिहार नहीं है कि इनको स्वीकार किया जाएगा, कभी नहीं किया जाएगा। साधु यादव ने कहा कि एक लड़की के लिए तेजस्वी ने यादव समाज पूरा बिहार और धर्म को छोड़ दिया। मैं नहीं सोचा एक आदमी के चलते पूरा समाज या पूरा बिहार या पूरा जमात को छोड़ दिया ये लौंडा, एक आदमी एक लड़की के चलते। इसमें क्या खासियत था, क्या खासियत था? इसलिए ये अपनी कुर्बान अपने कमजोरी को ये बिहार पर मढ़ दिया, बिहार के लोगों पर मढ़ दिया, हिंदू समाज पर मढ़ दिया, यादव समाज पर मढ़ दिया, कलंकित किया है। इसलिए इसको बहिष्कार होना चाहिए हर स्तर पर। वहीं साधु यादव ने तेजस्वी की पत्नी को पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित बताया है। क्या बता रहे थे सर? इसमें टैटू बनवा ले भैया। टैटू पश्चिमी सभ्यता है। टैटू तो हर लोग अभी बनवा रहे हैं। पश्चिमी सभ्यता है वही कुल खानदान में करेगा ये। तो बाहर पे टैटू बनाना तो अरे भाई कहीं भी टैटू बनता है, सब जगह बनाता है, सब आजकल ओपन लंगटर टैटू बनाता है। साधु यादव के बिगड़े बोल से लालू परिवार की खुशियों पर वज्रपात कर दिया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट।